देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए एक बार सभी। बिल्कुल लुढ़क गया भाई तार तो आज। देखो इसने कहा कि इन फिगर 10.39 आकृति 10.39 में ए कोमा बी सी एंड डी आर पॉइंट्स आर फोर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई ई पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट इस तरीके से कि जो एंगल है बी ई सी वो 130 का है और एंगल ई सी डी ई सी और डी वो 20 डिग्री का है तो फाइंड एंगल बी ए सी तो एंगल बी ए सी हमने निकालना है। तो सीधी सी बात है पहले ये फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कुछ है क्वेश्चन में क्या नहीं है। तो हमारे पास एक सर्कल उसने दे रखा है ठीक है। अब जो ये सर्कल दे रखा है इस सर्कल के ऊपर हमारे पास जो है चार पॉइंट इसने दे रखे हैं और पॉइंटों के नाम है ए बी सी और डी। एक पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है ए, इसके नजदीक से एक पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है बी और बी के सामने यहां पर है एक पॉइंट जिसका नाम क्या है सी है और यहां पर है एक पॉइंट जिसका नाम क्या है डी। यही है तो वो कह रहा है अगर इन पॉइंटों को हम आपस में मिलाते हैं इसको इससे मिला रखा है उसके बाद ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया तो जैसे इनको मिलाया तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है ई है। फिर उसने कहा कि जो ये वाला एंगल है हमारे पास जो ये वाला एंगल है वो कितने का है 130 डिग्री और जो ये वाला एंगल है हमारे पास वो है 20 डिग्री और ये वाला एंगल हमने क्या करना है फाइंड आउट करना। यही है ओके। तो गिवन है हमारे पास कंडीशन गिवन दैट दिया है कि गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि एंगल बी ई सी बी ई सी वो कितने का है 130 डिग्री ठीक है। इसके अलावा बस रहने दो एंगल ई सी और डी वो कितने का है 20 डिग्री का है क्लियर। टू फाइंड हमें निकालना है एंगल बी ए सी हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। यही है बात भाई बी ए सी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखो ध्यान दीजिए ये फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हमारे पास बी सी एक कोण है और सेम सेगमेंट में एंगल बने हैं ठीक है। तो हमारे पास है बी सी इज अ कोण बी सी हमारे पास क्या है एक कोण है तो एंगल हमारे पास कौन सा बी ए सी इक्वल होगा एंगल किसके बी डी सी होगा या नहीं होगा बोलो भाई ठीक है। तो अगर मान लिया मैं बी डी सी एंगल निकाल लूं तो आ जाएगा ये बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब बी डी सी एंगल निकलेगा कैसे मैंने लिया इंटर एंगल ई डी सी ई डी और सी मान लिया मैं ये ट्रायंगल लेता हूं तो इस ट्रायंगल के अनुसार क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल ई सी डी ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई इक्वल होगा एंगल किसके भाई सी ई और बी या बी ई सी बोलो होगा या नहीं होगा क्यों होगा ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी लगी है भाई इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ इस बाहर वाले एंगल के इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो फिगर को तो रीजन में आप लिखोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ठीक है।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो ई सी डी, ई सी डी ये है मेरे पास 20 डिग्री का, प्लस एंगल कौन सा भाई? सी डी ई, सी डी ई तो मैंने निकालना है। क्या सी डी ई को मैं सी डी बी लिख सकता हूं? बोलो लिख सकते हैं। और बी ई सी कितने का है? 130 का है या नहीं है? तो मेरे पास आ गया एंगल सी डी बी इक्वल टू 130, और इसको इस साइड ले गया तो ये हो गया 20। तो एंगल कितने का बच गया? सी डी बी बताना कितने का बच गया? 110। चेक करो पीछे आंसर, कर लोगे? आ गया समझ में? इस तरीके से आपने करना है, डस्ट देना भाई उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी इंक डाल दे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, होज डायगनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई, जिसके डायगनल एक दूसरे को ई के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ डी बी सी, अगर डी बी सी एंगल 70 डिग्री का है, एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, अगर वो 30 डिग्री का है, फाइंड एंगल बी सी डी, तो एंगल बी सी डी निकालिए। फर्दर इफ ए बी बराबर बी सी, यदि ए बी बी सी के बराबर है तो फाइंड ई सी डी, तो ये भी आपने निकालना है। तो देखो ध्यान दो भाई, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी, तो क्वेश्चन कब समझ में आएगा हमें? जब हम उसकी फिगर बना लेंगे अच्छे से, ठीक है? इसने क्या कहा स्टार्टिंग में बताना एक बार, कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाम क्या है उसका? और ए बी सी डी, ठीक है? डाल दी भाई, ठीक है, धन्यवाद। तो ए बी सी डी हमारे पास क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें नहीं पता वो कैसी है कैसी नहीं है, इतना है कि वो साइक्लिक है। तो हम एक रफ फिगर बनाते हैं। मैंने ए पॉइंट यहाँ ले लिया, मैंने बी पॉइंट यहाँ ले लिया, सी मैं कहीं यहाँ से ले लेता हूँ, और डी मैं ले लेता हूँ, हालांकि एंगल के अकॉर्डिंग वैसे लेने चाहिए। देखते हैं फिर भी एक बार, क्या कहा उसने? एंगल बी ए सी, डी बी सी हमारे पास कितने का है? डी बी और सी ये है हमारे पास कितने का? 70 डिग्री का। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि बड़ा एंगल बनेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो देखो ध्यान दीजिए, हमने जब इनको मिलाया आपस में, यहाँ पर पॉइंट सी है, तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये बन गई है, और जो कि कौन सी है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चक्रीय है, चतुर्भुज है। अब कंडीशन इसमें जो जो दे रखी है पहले वो लिख दें। क्या दिया इसने स्टार्टिंग में? ए बी सी डी जे साइक्लिक बना ली, हुज डायगनल इंटरसेक्ट ई, जिसके डायगनल कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगनल बनाओ भाई, डायगनल का सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, बस ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? ई है। इसने कहा इफ एंगल डी बी और सी, डी बी और सी ये वाला एंगल कितने का है? कितने का है भाई ये? 70 डिग्री का है। फिर इसने कहा एंड एंगल बी ए सी, बी ए और सी ये वाला एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है, यही है ना? ओके तो उसने कहा कि फाइंड एंगल, कौन सा एंगल निकालना हमने? बी सी डी, यानी कि बी सी और डी, एक तो ये वाला एंगल निकालना है भाई, ये पूरा ये कितने का होगा? क्लियर ये बात? उसके बाद उसने कहा फर्दर, अगर गिवन कंडीशन हमारे पास और क्या है? गिवन दैट दिया है कि पहले तो जो जो ऊपर वाले एंगल थे वो भी लिख दो। डी बी सी कितने का है? 70 डिग्री का। और एंगल सी ए बी कितने का है? सी ए बी 30 डिग्री का है। बाद में उसने ये भी कहा है, बाद में कही है ये बात खैर, कि यदि ए बी, ये वाली ए बी इक्वल हो किसके भाई? बी सी के। इसके इक्वल हो, अगर ए बी इक्वल किसके हो? बी सी के हो, तो फिर हमने क्या निकालना है? ई सी डी भी हमने निकालना है। ई सी डी ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इनके हिसाब से हमने ऊपर निकालना है एंगल कौन सा? बी सी डी। जब ये कंडीशन है तो ये निकालना है, जब ये भी दे रखी है तो वो कह रहा है फिर इस चीज को भी निकालिए। तो देखो ध्यान दीजिए भाई,
हम पहले निकालते हैं कौन सा बी सी डी। अब बी सी डी बी ये रहा, सी रहा, ये रहा और डी ये रहा। ये निकलेगा कैसे? ये हमारे पास निकल सकता है, सीधी सी बात है, जब मुझे इस पूरे एंगल का पता हो, पूरे एंगल का ए का पता हो। अगर पूरे एंगल ए का पता है तो मैं ए और सी दोनों को जोड़ दूंगा और दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्योंकि साइक्लिक जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो देखो ध्यान दीजिए भाई, तो कहने का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ ये एंगल चाहिए कि ये एंगल मैं कैसे निकाल सकता हूं। अब अगर मान लिया मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल हमारे पास बना है किससे भाई? डीसी कोर्ड से, डीसी कोर्ड से बना है ना, सीडी कोर्ड से। आप लिखोगे सीडी इज अ कोर्ड, सीडी इज अ कोर्ड। सीडी हमारे पास क्या है? एक कोर्ड है। तो इसका अनुसार, इसके अनुसार मैं लिख सकता हूं एंगल सी बी डी या एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल किसके भाई? सी ए डी या डी ए सी होगा या नहीं होगा? एंगल मेड इन सेम सेगमेंट, क्योंकि ये कोर्ड होगी, ऊपर वाला क्या होगा? सेगमेंट होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब डी बी सी मेरे पास है 70 डिग्री का, तो डी ए सी भी कितने का आ गया? ये एंगल कितने का आ गया भाई? 70 का आ गया नहीं आ गया? तो सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा है एंगल बी ए डी कितने का आ गया? अब बी ए डी 30 और 70 दोनों को जोड़ो कितना हो गया? हो गया नहीं हो गया? बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब मैंने लिखा नाउ एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, रीजन में क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बी ए डी को मैंने निकाल लिया कितने का है? 100 का। प्लस एंगल बी सी डी बराबर कितना हो गया? 180। तो एंगल बी सी डी कितने का आ गया बताना? 80। उस साइड जाके घट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितने का? 80 का। ये जो मैंने निकालना था कितने का आ गया? ये 80 डिग्री का। यहां तक बात बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो भाई। ओके, उसके बाद वो कह रहा है अगले पार्ट में, अगर ए बी बराबर ए सी है, अगर ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, तो कह रहा है कि ई सी डी जो ये इस साइड वाला रह गया ना, ये वाला एंगल, वो कह रहा है ये भी बताओ फिर ये कितने का होगा। अब मुझे पता है अगली कंडीशन दी है उसने, ए बी बराबर किसके है? बी सी के। सी डी के नहीं भाई, ए बी बराबर किसके है? बी सी के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल किसके? बी सी ए के। होगा या नहीं होगा? क्यों होंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। लिख लोगे ये लाइन? Yes, sir. अब बी ए सी कितने का है? बी ए सी कितने का है? 30 का। तो ये भी कितने का आ गया? बोलो। बी सी ए मतलब जो ये इस साइड वाला एंगल है ना, ये निकल के आ गया कितने का आ गया? 30 का। आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. हमें ऊपर वाला निकालना है, तो एक बात बताना, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, क्या इसको मैं बी सी डी लिख सकता हूं? हाँ या ना? ठीक है, अब भी अभी हमने निकाला कि बी सी ए, उस बी सी ए को हम बी सी ई लिख सकते हैं, जो कि कितने का है? 30 का आया है। ये हमने निकालना, इसको एज इट इज रहने दो, और ये कितने का टोटल? 80 का है या नहीं है? 30 को उस साइड ले जाओ, तो एंगल ई सी डी कितने का आ गया बताना? 50 का। कर लोगे? Yes, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ध्यान से देखिए, मैच कीजिए आंसर। Yes, हो जाएगा। Yes, कौन सा था क्वेश्चन? 6 7 की स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो पढ़ो स्टेटमेंट जल्दी से। आया कुछ समझ में? नहीं आया? चलो अभी देखते हैं क्या नहीं आया है भाई। देखो, इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
आर डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के क्या है वो डायमीटर है भाई, ठीक है। थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, तो सिद्ध करना कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। तो हमारे पास जो है चार, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसने दे रखी है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि बाद में ये बननी रेक्टेंगल है तो लगभग हम ऐसी शेप की ले लेते हैं कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप में हमें दिखाई दे, बन जाएगी बात ना, नहीं बनी है ना, तुम बना लेना। फिगर थोड़ी बकवास ही बनी है, कोई नहीं तुम ठीक कर लेना। इसके जो डायगोनल है ना, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, कहां पर काटते हैं भाई, सर्कल का जो सेंटर है ना उससे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है गिवन, कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इट्स डायगोनल क्या है भाई, आर डायमीटर भाई, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के क्या है ये डायमीटर, ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। दैट इज हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो yes, यही प्रूफ करना है, ठीक yes, है। तो देखो ध्यान दीजिए, वैसे तो बहुत सिंपल सा इसका आप प्रूफ लिख सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि उसने देखो ये सीधी सी बात डायगोनल दे रखे हैं, तो डायगोनल दे रखे हैं तब भी हमें कोई समस्या होने वाली है नहीं, ठीक है। क्यों, अगर हम कोर्ड के हिसाब से चलें तब भी इसका प्रूफ आ जाएगा, और अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल से भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बोल रखे है ना डायगोनल, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल के डायमीटर है। अगर मान लिया ये सर्कल का हमारे पास डायमीटर है, इफ, अगर मान लिया, मैं लिखना चाहूं इफ क्या भाई, बी डी इज अ क्या लिखें भाई, डायमीटर, बी डी इज ए डायमीटर, अगर बी डी एक हमारे पास क्या है डायमीटर है, तो देन एंगल बी ए डी कितने का हो जाएगा, बी ए डी कितने का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्यों होगा। अभी ये थ्योरम नहीं आई है क्या, कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है, नहीं आई है, फिर इसका यूज नहीं करेंगे बेटा, नहीं आई है तो चलो इस मेथड से नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, हमने लिया बी डी इज अ कॉर्ड, बी डी क्या है, डायगोनल भी और कॉर्ड भी है या नहीं है, yes, अब बी डी का सेगमेंट कौन सा, ऊपर वाला है एक तरह से, ठीक है। तो एक बात मुझे बताना, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी वो 2 टाइम होगा एंगल किसके भाई, बी ए डी के होगा या नहीं होगा, yes, बोलो भाई, yes, क्यों होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ये हमारे पास सेंटर पे एंगल बना है, ठीक है, और इसी कोर्ड द्वारा हमारे पास इसी आर्क द्वारा जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है वो सेंटर वाला एंगल उसका क्या होता है, डबल होता है, ये तो थ्योरम पढ़ी है हमने, ठीक है। अब हमें पता है एंगल बी ओ डी है कितने का एंगल बी ओ डी है या नहीं है, अरे स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कितने का ये पूरा कोण 180 डिग्री का, दो को इस साइड ले आओ तो 180 डिवाइड में 2 इक्वल टू एंगल बी ए डी, कैंसिल हो गया, कितने का आ गया 90 डिग्री, कौन सा आ गया बी ए डी। इसी प्रकार जब आप एक एक करके इनको सोल्व करते जाओगे तो एंगल बी भी कितने का मिल जाएगा, जब ए सी को कोण लोगे
ये हो गया, इसके अपोजिट ये है। बात समझ में आ रही है? दोबारा से हम BD को कोड लेंगे, इस साइड वाला ले लेंगे अब सेगमेंट, तो इसके अपोजिट हमारे पास ये वाला एंगल है। तो बस वहां यहां पर आपने क्या लिखना है अब, सिमिलरली इसी प्रकार एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो था बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ, कर लोगे? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन आवाज नहीं भाई, आवाज ना करें। देखो, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक। तो सिद्ध करना है फिर वो साइक्लिक होगी। देखो स्टार्टिंग में उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक ऐसी ट्रेपेजियम है जिसकी नॉन पैरेलल जो साइड है ना, जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है, क्या है वो, इक्वल है। ठीक है, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी कौन सी साइड इक्वल की बात कर रहा है एग्जामिनर? अगर इसको हम ए कहें, इसको बी कहें, इसको मैं सी कहता हूं और इसको डी कहता हूं, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, यही दे रखी है, समलंब जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा। इसके अलावा और गिवन कंडीशन है हमारे पास कि जो ए बी है वो डी सी के इक्वल है। क्लियर? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। ये क्या होगी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होती है, क्या है इसके लिए रूल, दैट इज मैं प्रूफ करना चाहता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, या तो ये कर दूं प्रूफ, और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, या फिर ये प्रूफ कर दूं, काम चल जाएगा ना? बोलो भाई। तो देखो ध्यान दीजिए, अब हमने किया क्या, जरा सी कंस्ट्रक्शन की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने जो है ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, नाम दे दिया उसको ए एम, डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसको हमने नाम दे दिया एन। क्लियर ये बात? तो हमारे पास क्या क्या हुआ है कंस्ट्रक्शन में, कि ए एम ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर भाई, बी सी के ऊपर, एंड डी एन ये परपेंडिकुलर है, ये भी किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमने क्या किया, नाउ ट्रायंगल ए बी एम या ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन सी, इनमें सिमिलैरिटी देखना बेटा क्या क्या है, क्या क्या सिमिलैरिटी है, कि ए बी, ए बी किसके बराबर है, डी सी के। क्या ये कंडीशन गिवन है या नहीं है? ए एम किसके बराबर है, डी एन किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम। क्लियर? एंगल ए एम बी, ए एम बी बराबर होगा डी एन सी, डी एन सी एवरी एंगल इज 90 डिग्री। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? तो प्रत्येक कोण कितने का है, ये 90 डिग्री का। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल, ए एम बी, ए एम बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रेंगल डी एन सी किससे, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, है या नहीं है? इसका मतलब इस ट्रेंगल का एंगल कौन सा, ए बी एम बराबर हो जाएगा किसके, डी सी एन, होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इस वाले एंगल के किससे, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर यहां तक बात? नाउ उसके बाद मैंने लिया
कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है ना? Yes. क्यों भाई? एंगल कौन से साइड के हमारे पास, क्योंकि एक तरह से ए बी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, और ए डी किसके पैरेलल दे रखी है? ए डी किसके पैरेलल दे रखी है? बी सी के। ए बी ट्रांसवर्सल होगी, तो इसके सेम साइड के एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? रीजन में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, बस इतना लिख देना। बात समझ में आई या नहीं आई? और ज्यादा क्लियर करना चाहो तो ए डी पैरेलल टू बी सी लिख देना। यहां तक बात बताओ क्लियर है या नहीं है? अब एक बात बताओ कि हमारे पास डी ए बी है तो एज इट इज, ए बी सी हमारे पास किसके बराबर आया है? ये वाला एंगल बी हो गया, किसके बराबर है? ये वाला एंगल सी के बराबर है। अब इसको ए बी सी बोलूं या ए बी एम बोलूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं? प्लस में एंगल डी सी बी, ठीक है, किसके बराबर होगा? 180। यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से भाई? ये जो आया है हमारे पास सीपीसीटी, इसको मन कह लो। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से। बात समझ में आई या नहीं आई? और हमारे पास ए और सी क्या है? क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है। इन दोनों का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ए बी सी डी क्या होगी? क्या होगी भाई? तो कर नहीं लोगे इसको? लिख लोगे? यहां तक कर लेना भाई। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं भाई कल इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए।